Hey, hello everybody, this is Vikram Verma, and once again on this day I welcome you all on your own channel, that is Competition Power Hub. So guys, I hope that you all are well and you all have been waiting for my next video as usual. So guys, once again I am back with a new content. So guys, jaisa ki maine previous videos mein aapse promise kiya tha ki ab main subject se related videos nikalne ja raha hu aur aapki kuch madad kar sakun un topic se related, ye koshish main apni is video mein karunga. So guys, ab एक सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले अलग अलग सेक्शन जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन सब टॉपिक्स को, इन सब सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे. सो अब एक सीरीज शुरू होने वाली है, लाइन से मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा. ओके, सो आप जैसा कि मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं, इस बोर्ड पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को और उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम शुरुआत रीजनिंग से करेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट से करेंगे और आज का टॉपिक होगा सिलोगिज्म. बहुत सारे लोग इसको सिलोगिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोक्स बोलते हैं, अपनी अपनी जो है स्टाइल है उसको बोलने का, ट्यूनिंग है अपनी अपनी उससे उसको डिस्कस करने की. सो गाइस, मैं इसको सिलोगिज्म बोलता हूँ और सिलोगिज्म बहुत ही ज़्यादा आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप IBPS में ले लीजिए, SBI में ले लीजिए, मतलब बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, SSC में ले लीजिए, क्लर्क लेवल पे ले लीजिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम सभी जानते हैं. सो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं सिलोगिज्म को. मैं सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बताता हूं और उसके बाद बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पे. देखिए गाइस, मेरा सिंपल सा फंडा रहने वाला है कि मैं कोई भी चीज़ रटने वाली आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूं. तो कुछ भी हम फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, कुछ याद नहीं करने वाले. ये आने वाली अदर वीडियोज़ में भी होगा, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, जैसे भी हो गए, हम फालतू के रूल्स हम लोग नहीं बनाएंगे. जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ याद करना पड़ेगा, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज हम लोग लॉजिकली ही चलेंगे. ओके, सो चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता के उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस शुरू करते हैं. मैं इसकी कैटेगरीज आपके सामने रखूंगा, दो तीन कैटेगरीज के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस फॉल करेंगे और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लेवल एग्ज़ाम का कितना भी हार्ड आ जाए. देखिए, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम जो माना जाता है वो SBI का आता है, PO लेवल का आता है, उसमें जो सिलोक्स आती है काफ़ी हार्ड लेवल की आती है. लेकिन ये वीडियो एंड तक देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि सिलोगिज्म आपकी मुट्ठी में होगा, आप उस पर पूरी तरीके से कमांड पा चुके होंगे. कोई भी क्वेश्चन आपका आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको. सेम, मैंने इसको रफ करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है और ये आपके क्वेश्चंस है जो इसके बेस पे पूछे जाएंगे. इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. ऑल गोट्स आर फ्लावर्स. सो देखिए, ऑल गोट्स आर फ्लावर्स, यानी कि सारी गोट्स फ्लावर के अंदर. आपको हमेशा डायग्राम ये ऐसे बनाना है, ऑल गोट्स आर फ्लावर्स, सारी गोट्स फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर फॉल करेगा. हालांकि ये फिगर ऐसे भी बन सकता है कि ऑल गोट्स आर फ्लावर, ये बिल्कुल इसके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि फ्लावर के अंदर ही है वो रहेगा. ये बराबर भी हो सकते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी है, इसके दो डायग्राम बन सकते हैं कि ऑल गोट्स आर फ्लावर, यानी कि ये डायग्राम बिल्कुल इसके ऊपर भी बन सकता है गोट्स का. ओके, फिलहाल हम स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं. इसके बाद क्या कहता है कि नो फ्लावर इज ब्रांच, कोई भी फ्लावर ब्रांच नहीं है, यानी कि देखो इस एफ का, इस पूरे एफ का ऑटोमेटिकली सी बात है जी का भी कोई कनेक्शन नहीं है ब्रांच के साथ, क्योंकि कह रहा है कि नो फ्लावर इज ब्रांच. सो देखिए, नो फ्लावर इज ब्रांच, तो ब्रांच को आप यहाँ कहीं बना दीजिए अलग से और यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि नो फ्लावर इज ब्रांच, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. और जब एफ का कनेक्शन बी के साथ नहीं है तो जी का तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा. नेक्स्ट, सम ब्रांचेज आर रूट्स, कुछ ब्रांचेज रूट्स हैं, ठीक है जी. ओके, अब एक बात आप जरूर यहाँ पे मेरी आराम से समझ लीजिए, इसी में पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है, वो क्या है जरा देखिए. इसने कह दिया कि इन दोनों का रिलेशन है, कुछ ब्रांचेस जो है वो रूट्स हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बी का ही तो कनेक्शन जी और एफ के साथ नहीं है ना, आर का तो हो सकता है, है ना. तो आर का कनेक्शन, यानी कि आर इसके साथ तो जुड़ा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसका कुछ हिस्सा यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, इस पूरे को भी ग्रैब कर सकता है, मतलब आर यहाँ से शुरू होकर इस पूरे को भी अंदर ले सकता है. ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, सिर्फ ये बताया है कि बी का रिलेशन है आर के साथ, लेकिन आर का भी रिलेशन इन दोनों के साथ नहीं है,
ऐसा नहीं बताया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सम रूट्स आर गोट्स, कुछ रूट्स गोट्स हैं, अगर हम इस फिगर में देखें तो नहीं है, है ना? और अगर ये फिगर यहाँ बनता, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इसका लेके और बाकी सारा, तो फिर कनेक्शन है, लेकिन सर्टेन नहीं है ना। लेकिन इन्होंने तो सर्टेन बोल दिया कि हाँ भाई सम रूट्स आर गोट्स, तो ये आप डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं? तो ये गलत हो गया। ओके, सो पहली स्टेटमेंट गलत। अब दूसरी देखिए, नो रूट इज गोट, कोई भी रूट गोट नहीं है। तो जहां आपको दोनों स्टेटमेंट में ना सेम चीजों के बारे में पूछा गया हो, वहां पे आइदर और का केस बनेगा, और यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। कौन सी दोनों बातें, जरा देखिए मैं बताता हूं। क्या कह रहा है, यहां पे भी कुछ रूट्स का गोट्स के साथ कनेक्शन, फिर से रूट का गोट के साथ कनेक्शन, दोनों स्टेटमेंट में रूट और गोट के कनेक्शन है, एक में बोला है एक में नहीं बोला है। तो यहां पे हमेशा याद रखना ये कॉम्प्लीमेंट्री केस बनेगा, यानी कि आइदर और का केस बनेगा, जो क्वेश्चंस आपने काफी देखे भी होंगे। कैसे, देखिए वैसे तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, दूसरी भी देखो, नो रूट इज गोट, देखिए कोई भी रूट गोट नहीं है, यहां से देखा जाए तो ठीक बात है, लेकिन ये फिगर मैंने बताया अगर ऐसे बना दिया जाए, जो कि सही है, इनके हिसाब से बनाया है, और ये वाला भी बन सकता है, तो फिर आर का रिलेशन गोट के साथ हो सकता है। और एक बार कहा है कि रिलेशन है, एक बार कहा है नहीं है, तो एक ही बात हो सकती है, या तो रूट्स गोट के साथ कनेक्टेड होंगी या तो नहीं होंगी। तो ये आप दो तरीके से आंसर लिखा जा सकता है पेपर में, पहले ये लिखा हुआ हो सकता है कि दोनों ही गलत हैं, ओके, दोनों ही गलत हैं लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री केस है, ये बात बोली जा सकती है, या फिर ये बोला जा सकता है कि आइदर वन और सेकंड, इन दोनों में से कोई एक ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से जरा हटके है और फायदा भी इसी में है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हटके करें, कुछ नया सीखें। सो देखिए, इस क्वेश्चन का भी डायग्राम हम उसी तरीके से बना लेते हैं और फिर उसके बेस पर आराम से इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं इसका डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ। देखिए, सम बोटल्स आर जार्स। ओके, सो देखिए, सम बोटल्स आर जार को आप कैसे बनाएंगे, सम बोटल्स आर जार्स। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि सम का केस होगा तो इस तरीके से म्यूचुअल आपका डायग्राम बनेगा, कुछ बोटल जार है इस तरीके से। और उसके बाद बात करते हैं ऑल जार्स आर बकेट्स। देखिए, सारे के सारे जार्स बकेट्स हैं, तो सारे इसी के अंदर इंक्लूड करने हैं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि बकेट के अंदर ही सारे जार हैं। उसके बाद ऑल बकेट्स आर टैंक्स, ऑल बकेट्स, देखिए बी से दो चीज़ें आ गई, बोटल्स और बकेट्स, तो इसको मैं बी यू सी के ई टी लिख लेता हूँ ताकि ये हमें बोटल ही नज़र आए, अदरवाइज मैं बी ही यूज़ करता कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट होता तो। अब ऑल बकेट्स आर टैंक्स, ऑल बकेट्स आर टैंक्स, यानी कि बकेट सारी किसके अंदर आ जाएंगी, टैंक्स के अंदर। ओके, टी, बस डायग्राम हमारा तैयार है, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले ऑल जार आर टैंक्स, सारे के सारे जार टैंक हैं। ऑफ कोर्स जार के बोतल बकेट्स के अंदर जार हैं और बकेट्स किसके अंदर है, टैंक के, तो जार ऑटोमेटिकली टैंक के अंदर हुआ, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, सम बकेट्स आर टैंक्स, देखिए सम बकेट्स आर टैंक्स, यस ऑफ कोर्स, देखिए सारे ही बकेट्स जो है वो टैंक हो गए हैं, तो सम बकेट्स का तो टैंक होना लाजमी है, तो ये बात भी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आपका ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि इस केस में बोथ स्टेटमेंट्स फॉलो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, अब हम बात करेंगे लेवल नंबर टू की। तो लेवल नंबर टू में कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा वो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा वो देखते हैं। देखिए, ये सेकंड लेवल आपका शुरू हो गया है, यहाँ से हम सेकंड लेवल की बात करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई हो गया है और होना भी चाहिए, हमने काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अब हम थोड़ा ऊपर के लेवल को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा, तरीका वही रहेगा, हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा देखिए, इसमें सभी तरह के केसेस आ गए, अगर आपने ध्यान से इसको देखा हो, नो ऑल सम, कुछ का कनेक्शन, सभी का कनेक्शन और किसी का भी कनेक्शन नहीं होना, ये सभी इसके अंदर आ गए हैं। तो जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। नो डिज़ाइन इज अ फैशन, देखिए यानी कि डिज़ाइन अलग है और फैशन अलग है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नो फैशन आर टेम्प्रेरी,
कोई भी फैशन टेम्परेरी नहीं है, यानी कि F का T के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। T का D के साथ हो सकता है लेकिन F के साथ नहीं है, ओके। उसके बाद सम टेम्परेरी आर परमानेंट, कुछ टेम्परेरी परमानेंट हैं। तो देखिए T का रिलेशन P के साथ, अब देखिए कुछ टेम्परेरी परमानेंट है तो इन परमानेंट का रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इसका कनेक्शन T के साथ नहीं है ना, लेकिन P के साथ तो हो सकता है। तो बताया नहीं है लेकिन फिलहाल हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए यही बनाएंगे, ओके। सो लास्ट वाली स्टेटमेंट में क्या है कि सम टेम्परेरी आर परमानेंट्स, ओके ओके। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। सम डिजाइंस आर परमानेंट, देखिए यहां पे डिजाइन और यहां परमानेंट। देखिए ये हो तो सकता है, लेकिन एक फिगर तो ये बन सकता है लेकिन एक फिगर ये भी बन सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया। तो सर्टेन नहीं है ना, लेकिन इन्होंने तो सर्टेन बोल दिया कि सम डिजाइंस आर परमानेंट, तो आपने सर्टेन कैसे बोल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। सर्टेन तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे आप गलत हो गए हो, सर्टेनली ये चीज नहीं है, ओके। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट, नो फैशन इज परमानेंट, कोई भी फैशन परमानेंट नहीं है। देखिए कोई भी फैशन परमानेंट नहीं, मैंने कहा था कि T का रिलेशन F के साथ नहीं है लेकिन P का रिलेशन हो सकता है F के साथ, ओके। ये फिगर, इसको सिर्फ इसी को तो इंक्लूड करना है ना, P को T में, तो ये फिगर ऐसे भी बन सकता है P वाला। तो F का रिलेशन P के साथ नहीं है, ये साफ तौर पे बोल दिया इन्होंने। साफ तौर पे कैसे बोल सकते हो आप, फिगर तो ऐसे भी बन सकता है। तो साफ तौर पे बोली हुई चीज और जिसमें डाउट हो तो वो तो गलत हो गया। तो आप साफ तौर पे नहीं बोल सकते कि नो फैशन इज परमानेंट, फैशन का परमानेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। अगर यहां पॉसिबिलिटी लिखा होता ना तो ठीक थी ये स्टेटमेंट, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने रफ करके फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया इसके ऊपर, और देखिए ये और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। तो जरा देखते हैं इसमें क्या करना है, सीधा उसी फॉर्मेट के साथ चलेंगे, उसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। सम विलेजेस आर सिटीज, देखिए कुछ विलेजेस जो है वो सिटीज हैं। तो मैंने इसका डायग्राम ऐसे बना दिया, कुछ विलेजेस सिटीज हैं, तो ये आपका सिटी हो गया, ओके। उसके बाद कहता है कि ऑल सिटीज आर कंट्रीज, सारी की सारी सिटी क्या है, कंट्रीज के अंदर हैं। तो यहां पे मैंने इसको कंट्री लिख दिया, ओके। उसके बाद नो कंट्री इज टाउन, कोई भी कंट्री टाउन नहीं है। तो देखिए कंट्री का रिलेशन टाउन के साथ नहीं होगा, ओके। कंट्री का रिलेशन टाउन के साथ नहीं होगा, लेकिन टाउन का रिलेशन वी के साथ तो हो सकता है, सिटी के साथ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ही है, ओके। तो इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है। ऑल सिटीज बीइंग विलेज, देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज वाली वाले आप क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिए हैं, यानी कि जिन क्वेश्चन में लिखा होता है कि बींग दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये होना क्या एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है अगर आपने मेरी पहली वाली बातें अच्छे से सुनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सारी सिटी क्या विलेज हो सकती हैं, यानी कि ये सारी की सारी सिटी विलेज के अंदर आ सकती हैं। अगर इस डायग्राम को देखें तो नहीं आ सकती। अब आप ध्यान से सुनना, सारा खेल यहीं पर है। अगर ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई तो सारे क्वेश्चंस क्लियर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि सारी की सारी सिटी वी के अंदर आ सकती है क्या, तो इस डायग्राम को देखें तो नहीं आ सकती, लेकिन ये डायग्राम इसके पूरे अंदर भी बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में था सम विलेजेस आर सिटीज, कुछ विलेज सिटी हैं। तो देखिए ये विलेज बना दिया और इसी के ऊपर पूरी की पूरी सिटी भी अगर मैं बना दूं, SCBC को बना दूं, तो कुछ विलेज सिटी हैं, ये बात इस डायग्राम से भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि ऑल सिटीज आर कंट्री, सारी की सारी सिटीज कंट्री है, तो मैंने कंट्री इसके ऊपर कर दी, तो ये इसके अंदर भी आ सकता है, सिटी वी के अंदर भी आ सकती है, सारी की सारी सिटी भी, मतलब एक तो ये केस बन गया, दूसरा मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता था। तो सर्टेनली अगर इन्होंने बोल दिया होता ना कि सारी सिटीज विलेज हैं तो गलत था, क्योंकि सर्टेनली नहीं बोल सकते, दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहां पूछा कि सारी सिटीज बीइंग विलेज पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, हाँ जी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, यानी कि इस डायग्राम को छोड़ के अगर ये वाला बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी तो है। तो यहां पे ये चीज सही हो गई, इन्होंने पॉसिबिलिटी लिख दिया तो हाँ आपकी ये स्टेटमेंट ठीक है, ओके। सो पहला राइट। नेक्स्ट, नो टाउन इज विलेज, देखिए कोई भी टाउन विलेज नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, अब पुराने वाले उस पर ही चलेंगे हम, काम उसी से करेंगे। देखिए कोई भी टाउन विलेज नहीं है, देखो टाउन का रिलेशन तो कंट्री के साथ नहीं था ना, और कंट्री के अंदर सिटी के होने के कारण सिटी का भी टाउन के साथ रिलेशन कट गया, तो टाउन का रिलेशन दोनों के साथ कट गया, लेकिन इसके बारे में तो नहीं बताया ना कि इससे भी नहीं है कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो सकता है भाई,
ये डायग्राम यहाँ ना बनके यहाँ ऐसे भी बन सकता है, इसके अंदर भी बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली दिखाना तो यही है ना कि सी के साथ रिलेशन नहीं है, तो यहाँ भी तो आ सकता है। तो इसका रिलेशन इसके साथ तो हो सकता है। आपने सर्टेनली बोल दिया नहीं है, आपने कह दिया कि नो टाउन इज विलेज, आप सर्टेनली कैसे कह सकते हो? तो ये बात आपकी गलत हो गई। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओके? तो पहला ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ये था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा, देखिए इसको, ओके? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। ओके गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल आ चुका है। अब मैंने और भी थोड़ा सा हार्ड और लेंथी क्वेश्चन चूज़ किया है, क्योंकि आने वाले जो पीओ के एग्ज़ाम्स है, ये पीओ के लेवल का आपका क्वेश्चन आ गया है। अभी तक हम क्लर्क लेवल के और नॉर्मल बेसिक्स कर रहे थे सेकंड लेवल तक, अब हम लेवल थर्ड पे आ चुके हैं। सो देखिए, तरीका वही रहेगा, काम हमने वैसे ही करना है। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, जरा देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें स्टेटमेंट भी बढ़ गई, चार स्टेटमेंट्स आ गई, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी तीन आ गए हैं, ओके? सो काम बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी करके आप सीख जाओगे। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से पीओ लेवल का जो सिलोगिज्म का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सम फ्रूट्स, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रूट्स फ्लावर्स सेम हो जाएगा, नहीं तो मैं एफ ही यूज़ करता। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ओके? उसके बाद सम फ्लावर्स आर बर्ड्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे ही कंटिन्यूशन में आगे बढ़ जाएंगे, बर्ड्स, चलिए जी बर्ड्स। नो बर्ड इज लीफ, कोई भी बर्ड लीफ नहीं है, यानी कि एल के साथ कोई रिलेशन नहीं है बर्ड का, लेकिन जैसा मैंने पहले भी क्वेश्चंस पे बताया है, एल का रिलेशन हो सकता है फ्लावर्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, ओके? नेक्स्ट, ऑल लीव्स आर प्लांट्स। देखिए, सारी की सारी लीव्स प्लांट्स हैं, तो लीव्स कहाँ हैं और प्लांट्स कहाँ हैं? देखिए ये है, ऑल लीव्स आर प्लांट्स, यानी कि लीव्स नीचे और प्लांट्स ऊपर, लीव्स सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? प्लांट्स के अंदर, है ना? आप देख सकते हैं आराम से, ऑल लीव्स आर प्लांट्स, यानी कि लीव्स अंदर आएंगी, प्लांट्स बाहर आएगा। अब क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करते हैं। नो प्लांट इज बर्ड, देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्लांट बर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कैसे? देखिए, इसने सर्टेनली बोल दिया है कि कोई भी प्लांट बर्ड नहीं है, यानी कि प्लांट कोई भी बर्ड नहीं हो सकता। यार, बर्ड का रिलेशन तो एल के साथ नहीं है ना, और एल इसके अंदर आ गया। अब ये जो बाकी हुई चीजें हैं, जो ये जो बच गई हैं, ये वाली तो आ सकती है ना बर्ड के साथ, है ना? तो आपने कैसे कह दिया कि कोई भी प्लांट नहीं है, प्लांट का ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहां आके मिक्स हो सकता है, ये फिगर ऐसे भी बन सकता था, तो ये चीज गलत हो गई, सर्टेनली नहीं बोल सकते आप। सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, कुछ प्लांट फ्लावर्स हैं, देखिए कुछ प्लांट फ्लावर्स हैं, अब ये भी सर्टेनली बोल दिया, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इस फिगर को देखूं मैं, जो कि कंप्लीट हो रहा है इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फिगर सही बन रहा है। और देखिए, सम प्लांट्स आर फ्लावर, कहाँ है सम प्लांट्स फ्लावर्स? नहीं है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी बोलता तो शायद सही हो जाता, क्योंकि ये फिगर को मैं यहां तक भी एक्सटेंड कर सकता था, एल को इसके अंदर ही तो लाना है ना, तो ये तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका रिलेशन तो किसी के साथ भी हो सकता है, है ना? तो हो तो सकता था, पर सर्टेनली कैसे बोल दिया, ये फिगर भी तो सही है। तो सम प्लांट्स आर फ्लावर्स सर्टेन नहीं है, अगर ये फिगर बना तो नहीं है, और अगर ये आगे तक बढ़ा तो है, तो सर्टेनली आपने बोल दिया सर्टेनली नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट, सम बर्ड्स आर फ्रूट्स, कुछ बर्ड्स फ्रूट्स हैं, देखिए ये बर्ड्स फ्रूट के साथ रिलेशन, अब ये फिगर यहां के बजाय यहां भी बन सकता था, यानी कि बर्ड्स का फ्रूट्स के साथ रिलेशन हो सकता था और नहीं भी हो सकता, एक तो ये फिगर दूसरा वो फिगर, तो आपने तो सर्टेनली बोल दिया जी कि सम बर्ड्स आर फ्रूट्स, तो इस फिगर को देखूंगा तो सम बर्ड्स आर फ्रूट्स कहाँ हैं, तो सर्टेनली नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी बोलते तो ठीक था, तो ये भी गलत हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शंस डज नॉट फॉलो है, ऑल द ऑप्शंस हेयर डू नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं एक और लास्ट फोर्थ स्टेप के ऊपर, यानी कि फोर्थ लेवल के ऊपर, तो उसके क्वेश्चंस दो चार और देखते हैं, एंड देन वील बी फाइन विद दिस टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये आपका लास्ट जो लेवल है उस तरह के क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी लेंथी हो गया है, जिसमें तीन स्टेटमेंट की जगह अब चार स्टेटमेंट्स आ गई हैं, और क्वेश्चन में भी चार स्टेटमेंट्स हैं, और काफ़ी सारा ये पजल्ड है। सो इसको भी हम तरीका वही अपनाएंगे और आराम से उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे जरा देखते हैं। देखिए,
इस क्वेश्चन में अब क्या है, स्टेटमेंट्स बढ़ गई हैं लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। कैसे? पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बेस पे यहाँ पे हम लोग। अब ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिसके जिसको करने के बाद आपके कई तरह के क्वेश्चंस के जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। यानी कि इतने बड़े लेवल का क्वेश्चन करने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन जो इन्हीं के मिक्सअप से बनते हैं वो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक लास्ट स्टेप होगा इस वीडियो का, एक लास्ट क्वेश्चन होगा। फर्दर अगर हमें इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली इस पर एक पार्ट टू बना दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई नीड है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सम फ्लावर्स आर रोज। देखिए डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, सम, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सम फ्लावर्स आर रोज। देखिए सम फ्लावर्स आर रोज, ठीक है। ऑल रोज आर लोटस, सारे के सारे रोज को कवर करना है लोटस के अंदर, ठीक है जी। एल ओ टी एस, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड है एल से। सम लोटस आर लीली, सम लोटस, तो लोटस के साथ मैंने लीली बना दिया। ओके, ऑल हिल्स आर लीली, हिल्स तो यहाँ पे कोई नाम ही नहीं था, एक नया एलिमेंट आ गया, एक नई चीज़ आ गई। ऑल हिल्स आर लीली, यानी कि लीली के अंदर सारे के सारे हिल्स हैं। ओके, सो ये आपका एक स्टैंडर्ड डायग्राम बन गया है। अब इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से दे सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला, सम फ्लावर्स आर लीली, क्या सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स लीली के साथ कनेक्टेड हैं? देखिए कितनी दूर है, मतलब ये यहाँ आ तो सकता है पास, ये फिगर यहाँ की बजाय यहाँ भी बन सकता है। मैंने बताया पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि किसी के साथ मनाही जब तक नहीं होती तो सबकी पॉसिबिलिटी सबके साथ हो सकती है। तो फ्लावर का लीली के साथ कनेक्शन तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना, सर्टेन तो नहीं है ना। अगर यही फिगर रहा तो नहीं है, और इसने तो सर्टेन बोल दिया, तो बात गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ओके, नेक्स्ट, सम हील्स आर लोटस, कुछ हील्स लोटस हैं। देखिए अगर ये हील मैंने यहाँ बनाई होती हल्की सी तो लोटस के साथ टच हो जाता, लेकिन ये तो इसके अंदर अंदर भी तो रह सकती है ना। आपने तो सर्टेन बोल दिया, तो सर्टेन तो है नहीं, दो पॉसिबिलिटी है, तो ये बात भी आपकी हो गई गलत। नेक्स्ट, सम लोटस आर फ्लावर्स, कुछ लोटस फ्लावर्स हैं, ये ठीक है, क्योंकि आर इसके अंदर है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, और आर तो पूरा ही इसके अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली लोटस को तो एफ के साथ कनेक्शन होना ही है इसका, तो ये बात ठीक है। ओके, लास्ट, ऑल लिली आर हिल्स इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, देखिए जरा ध्यान से, इसने लास्ट वाले में पॉसिबिलिटी बता दिया, कहता कि सारी की सारी लिली क्या हिल्स हो सकती हैं? तो देखिए सारी की सारी लिली का कनेक्शन हिल्स के साथ, यस ऑफ कोर्स, यानी कि ये हिल, ये एच में पूरा का पूरा इसके ऊपर भी बना सकता था। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट देखना जरा, ऑल हिल्स आर लिली, तो अगर मैं पूरा इसके ऊपर बना दूंगा तो क्या ये बात पूरी नहीं होगी इससे? ऑल हिल्स आर लिली, सारे हिल्स लिली हैं, तो ये पूरा इसके ऊपर भी बना सकता था, है ना। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि ओल लिली, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो तो इस बात की पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी तो जी है, तो फिर ये सही हो गया। तो लास्ट के दो ऑप्शंस आपके ठीक है, बाकी सब गलत है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड वीडियो बनाने की अगर नीड होगी तो मैं वो भी बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं ज़रूर बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ चिपके रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब एक सीरीज शुरू होगी कंटेंट की। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।